न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटी सोरेन। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा साथ प्रेम संबंध में एक लड़का था निर्मल, जिसका नाम है निर्मल वल्ले, केशव में जॉब करता है, रहने वाला है कुंडल लोगों का है। कब से थे संबंध में? फेसबुक द्वारा मिले थे 2019 से 2021 तक। कैसे संपर्क हुआ? फेसबुक द्वारा। फिर क्या हुआ, पूरी कहानी बताइए। दोस्ती से प्यार में बदल गया था। प्यार में बदल होने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने आते थे। कैसे जाते थे मिलने, कहाँ से? मैं उत्तराखंड से मिलने आती थी। आप उत्तराखंड में क्या करते हैं? उत्तराखंड में मैं जॉब करती हूँ। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं गाड़ी का, गाड़ी का पार्ट बनाती हूँ। तो आप वहाँ से यहाँ आती थी मिलने के लिए लड़के से? हाँ जी। तो क्या कब कब मिलने आती थी, महीने में, दो महीने में? दो महीना में, तीन महीना में, ऐसा कोई कल्पना नहीं होती थी, उसकी छुट्टी के ऊपर डिपेंड करता था। अच्छा, तो फिर क्या मतलब इसी तरह से चलता रहा? हाँ जी, इसी तरह से चलते रहा। कितने दिनों तक चला ये? नवंबर तक, 16 नवंबर तक। 2019 से? हाँ, 2019 से 2022 16 नवंबर तक चला। तो क्या उसने आपके साथ रिलेशन भी कुछ बनाया, फिजिकल रिलेशन में था? तब मैं, जब मैं गर्भवती हो गई तब उसको शादी करने के लिए प्रेशर देने लगा, तब उन्होंने बताया कि और शादीशुदा है, एक बेटा के पापा भी है। आपको मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा है? मेरे को ना कभी बताया था, कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा था। तो फिर आपको कब पता चला ये बात कि वो शादीशुदा है? जब इसके ऊपर मैंने शादी का प्रेशर डालने लग गई थी, तब मेरे को पता चला था कि वो शादीशुदा है। तो शादी का प्रेशर अचानक से आपने क्यों डाला, मतलब क्या? क्योंकि उनकी तौर तरीका, बिहेवियर चेंज हो गया था। जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई है, नंबर ब्लॉक कर देता है, चेंज होता जाता था। जी मन होता था तो मेरा फोन उठाता था, रिप्लाई कॉल देता था। मन नहीं होता था तो कॉल नहीं उठाता। जब भी उठाते थे चिड़चिड़ा जाते थे मेरे ऊपर। तो मुझसे हम पूछने लगे अचानक, अपना तौर तरीके इतना चेंज क्यों हो गया था? तो मेरे को बोल रहा है कि आगे हम लोगों के बात करने मुझे सही नहीं लग रहा है, और अब बाद में वो अलग होने चाह रहा था। जब भी उसकी मैंने रिश्तेदारी रिलेशन में भी बढ़ाए थे, मैंने अपना सच्चे सामने में उसके सामने में रखे थे। मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा पहले मेरा ये था, मेरा वो था, सब कुछ उसको हम बता दिए थे कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। जो भी मेरा था मैंने उसके सामने में सच रख के इसके साथ मेरे रिलेशन में आगे बढ़ी थी। मैंने अपना कुछ भी नहीं छुपाया था, क्योंकि हमको शुरू से एक दो बार हमको लगा था, तब उसको हम बोले थे कि जब भी तुम आगे बात करने के लिए, कभी तुम मेरे को औकात वाली बात तो नहीं दिलाओगे, क्योंकि उसका सरकारी जॉब था, मेरा प्राइवेट जॉब था। लड़का क्या करता है? सीएसएफ में जॉब करता है। में बोलता है कि आज नहीं होगा कल होगा, दो तीन दिन ऐसे किया। जब इस बारे में मैंने मुसाब ने डीएसपी को बताए थे, तो बोल रहा है कि वो भी तो सर है, बोल रहे उससे आप ठीक से बात कर लीजिएगा। हम उसको बताया सर ये मेरे को दो तीन दिन कभी केंद्राडी बुला रहा, कभी एमजीएम बुला रहा था। तो फिर अभी तक क्या हुआ आपके केस में? मेडिकल भी मेरा इतना लेट पे हुआ, मेडिकल लेट पे हुआ है। इसके बाद वो लड़का भी क्या बोल रहा था कि मेडिकल मत कराओ, मेडिकल करने के लिए लिख के दो। तो हम बोल दे हम लिख के नहीं देंगे, हम मेडिकल करवाएंगे, क्योंकि मेडिकल भी मेरा इतना लेट पे हो गया, लेट होने की वजह से। और हमको ही कृष्णा ऊपर से हमने दो तीन बार ग्रामीण डीएसपी सर को भी बोल दिया, सर आयो चेंज कर दीजिए या केस को बंद कर दीजिए। लेकिन अभी तक इस जवाब में मेरे को मुसाबनी डीएसपी सर ने मेरे को अभी तक इस तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब अभी तक मेरे को नहीं मिला है। उसको हमने लिख के भी दिए थे, उसकी कॉपी है मेरे पास, और उसको हम फोन में भी दो तीन बार बोले सर या तो केस को बंद कर दीजिएगा या तो केस को किसी और को दे दीजिए। हमने इस बारे में काफी दो तीन बार मैंने बात भी की है, एप्लीकेशन लिख के भी दी है। उसकी ऑफिस में हम जब भी जाते हैं तो जब इसे बात करते करते अचानक बोल देता है कि अब क्या हम इतना काम करते हैं मैडम, बदले में क्या दोगे? पुलिस वाला बोलता है? हाँ, कृष्णा पंडे साहब मेरे को दो तीन बार इस बात में उसके ऑफिस में मेरे को बोला कि बदले में आप क्या दोगे, जो आप इतना परेशान कर देते हो सब लोगों को, आपके लिए आए हुए हैं, आपको मेडिकल लेके आए हैं, थाना का गाड़ी लेके आए हैं। तो हम बोले आप मेरे पर ऐसा नहीं जता रहे, आपकी जो ड्यूटी है आप ड्यूटी निभा रहे हो। अब क्या हुआ था, लड़के की तरफ से कोई प्रेशर बना था आपको लेकर, क्योंकि प्राइवेट और जॉब ऑप्शन वगैरह आपने करवाया, प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? लड़का का प्रेशर था कि आप पहले वसन करो फिर मैं शादी करेंगे। लड़का ने कॉल भी ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया है। फिर इस बीच में हम लोगों का कोई बात नहीं हुआ है। फिर अचानक से कॉल करके मेरे को मिलने बुलाया 16 अक्टूबर को। फिर हम वहाँ उत्तराखंड से यहाँ जब आ गए हैं, फिर हम लोग मुसाबनी क्वार्टर चले गए। मुसाबनी जाने के बाद
वो उसके तौर तरीके ड्रिंक करके वो मेरे से प्रतिलत करते रहा, लेकिन उसकी दोस्ती यारी सब कोई था, लेकिन कोई भी नहीं मेरे तरफ कोई भी नहीं बोला। फिर वहाँ दो दिन रह के फिर वो मेरे को छोड़ के चला गया है। तब हम उसको बोले हैं कि मुशावनी थाना में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मुशावनी थाना वाला लोग मेरा पहले FIR नहीं लिया था। जब तक मैंने CM को ट्वीट किया है तब तक वो लोग मेरा FIR लिया था, उससे पहले मेरे को कोई हेल्प कोई मदद कहीं से भी नहीं मिला था। अच्छा, लड़की के पास आपका कुछ प्राइवेट वीडियो फोटोज ये सब भी है? हाँ, लड़का के पास मेरा पर्सनल फोटो है, वीडियो था, लेकिन उसकी लड़का की मार्क पर था, मार्क कर रहा था 4 लाख रुपया, तो मेरे पास 4 लाख उसको देने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था। किसकी मांग कर रहा था 4 लाख का? वो फोटो और वीडियो देने के लिए, और जो फोटो और वीडियो है वो फोन चेंज कर पहुँचते हैं। तो आप उसके साथ जब शादी का प्रेशर बना दी थी उसके ऊपर, तो क्या कहा उसने, हम शादी नहीं करेंगे? कभी हाँ कर रहे कभी ना कर रहे, उसका कोई भरोसा नहीं। अपने के साथ में लिख के दिया है, वीडियो बना के दिया है कि हम शादी करेंगे 20 दिसंबर को। और वो ऑलरेडी शादीशुदा था? हाँ। आपको ये बात मालूम चल गया तो आपने भी शादी का प्रेशर बनाया, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो चुकी थी? हाँ, प्रेग्नेंट हो चुके थे। तब तक इन्होंने मेरे को बोला कि अवेशन करो फिर हम शादी करेंगे। जब मैंने अवेशन किए हैं इसके बाद उसका पूरा क्रिकेट जैसे उसका तौर तरीके ही चेंज हो गया था। तो अब क्या चाहती है आप, क्या किया उसको लेकर? केस किया आपने, FIR दर्ज कराया? हाँ, फिर मुशावनी थाना में पहले हमने केस करने के लिए गए थे। मुशावनी थाना वाला मुझे कभी सरायकेला थाना भेज रहा, कभी डुंगरिया थाना भेज रहा, यहाँ से वहाँ थाना भेज रहा, लेकिन मेरा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। CM को ट्वीट किए हैं, इसके बाद मेरा FIR के लिए है। उससे पहले थाना वाला मेरे को गोल गोल घुमा रहे थे, मेरा कोई बात नहीं सुन रहा था। मुशावनी थाना फरवारी मेरे को मुंह में बोला है कि ये कहीं नहीं जाती है, घूम फिर के यही आके बैठ जाती है, ऐसे मेरे को बोली। मुशावनी थाना? हाँ, मुशावनी थाना। कौन इंचार्ज है वहाँ के, किसने कहा ये बात? जो वहाँ की बड़ा बाबू है वो मेरे को बोली है। वो बोले हैं? हाँ। कुछ कार्रवाई हुई FIR दर्ज होने के बाद लड़की के ऊपर? दर्ज होने के बाद FIR अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या किसका किस का नाम दिया था आपने? उसके भाई का नाम था, उसके पापा का नाम था और लड़का का नाम था। सुपरवाइजर में मुशावनी DSP सर ने सुपरवाइजर कृष्णा पंडे वो देख रहा था, मेरे को पता है, लेकिन सुपरवाइजर कौन निकाला मुझे नहीं पता है। सुपरवाइजर ने सिर्फ लड़का का ही नाम है, उनके पापा का और भाई का नाम काट दिया है। कौन आई आपका केस देख रहे थे? कृष्णा पंडे है। कृष्णा पंडे? हाँ। मुशावनी थाना के कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब है। इंस्पेक्टर है? हाँ जी। तो अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई लड़की के ऊपर? FIR केस करने के बाद मेरे को 23 दिन के बाद वो मेरे को मेडिकल करवाने ले गया है। मेडिकल में बोल रहा है तेरा कुछ नहीं मिला है। 16 अक्टूबर हम लोग साथ में बिताए थे, उसके बाद वो लोग 16 अक्टूबर 2021 हाँ 2021 ठीक है, और 29 तारीख को FIR लिया है, और इसके बाद मेरे को 23 दिन के बाद वो मेरे को मेडिकल करवाने कृष्णा पंडे ले गया। एक दिन मेडिकल का बहाना से बुलाया, उस दिन बोल रहा है कि लेडीज डॉक्टर नहीं है। दूसरा दिन बुलाया मेरे को MGM में बुला के बोला है कि अभी वेट करो। 2-3 दिन मेरे को बुलाया तब जाके मेरा मेडिकल हुआया, क्योंकि केस होने के बाद भी 16 अक्टूबर हम लोग साथ में थे, और इसके बाद इतना टाइम के बाद उन्होंने मेडिकल में लेट करवाया, क्योंकि उसको चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ उसके लड़का के खिलाफ भी कोई सबूत ना मिले, इसीलिए मेडिकल। कृष्णा पंडित जो है इंस्पेक्टर वो चाह रहे थे? हाँ, इसीलिए तो उन्होंने मेडिकल केस का आयो था, FIR हो गया था, तो उन्होंने मेरे को कभी किंदाड़ी ले